मैं डॉक्टर चावला राइट योर सर्विस और हमेशा की तरह हम बात करने लगे हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में आ, मेदे की तेजाबियत एसिडिटी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शल टॉपिक है और जिसको बहुत गलत ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि उसकी रीज़न ही पता नहीं है आपको ये जो खाने के बाद बहुत ज्यादा जलन होती है या खाली पेट बहुत ज्यादा जलन होती है और गर्ड जो एक बड़ा पॉपुलर डायग्नोजिस है गैस्ट्रोसोफिजल रिफ्लक्स डिजीज उसकी मेजर वजह अक्सर दो चीज़ों पे मैं आज बात करने लगी हूँ और उसके गलत ट्रीटमेंट पे होती है कि आपका स्टमक जो है वो ज़्यादा नहीं वो कम तेज़ाब बना रहा होता है स्टमक का काम ही तेज़ाब बनाना है क्योंकि आपके पास जो खाने का सबसे टफ कॉम्पोनेंट है जो प्रोटीन है उसकी मेन डाइजेशन जो है आपके पास स्टमक में होती है और स्टमक uh, का पीएच अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा तेजाब बनाएगा तो वो उसको उस माइक्रोन्यूट्रेंट को तोड़ सकेगा और इसके अलावा स्टमक का तेज़ाब बनाना इससे भी ज़रूरी है कि आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इट आपकी ओरल कैविटी की थूक वगैरह इज़ अ पार्ट ऑफ इट वहाँ पर भी कुछ आपके पास इम्यूनिटी फैक्टर्स होने चाहिए और स्टमक का जो एट है वो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस पैरासाइट्स फंगस जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करके खाने के इवन के सांस लेते वक्त हम बाहर निकलते हैं हमारे इतना एक्सपोजर हमारी आंतों में पहुंच के हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के अजाब खड़ा कर सकते हैं दे कैन क्रिएट अ हैविक स्टमक का एसिड उनको वहीं बर्बाद कर देता है आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है स्टमक में तेजाबियत इतनी ज़रूरी है सही मुनासिब अमाउंट ऑफ तेजाब एसिडिक पीएच इतना ज्यादा जरूरी है आपका खाना नहीं डाइजेस्ट हो सकता उसके बगैर और आपकी बॉडी में इतनी सारी इन्फेक्शन पनप जाए इन्फेक्शन डिवेलप होना शुरू हो जाए पनपने का मतलब होता है So, uh, अब होता क्या है कि अक्सर लोगों को गर्ड में और जो कॉमन एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही होती है वो स्टमक का एसिड कम हो गया होता है और उसकी वजह से प्रोटीन थ्री तरह डाइजेस्ट नहीं होती तो खाने के बाद वो खाना अनडाइजेस्टेड ऊपर को आता है और वो समझते हैं कि हमारे स्टमक का एसिड ज़्यादा है और अफसोस की बात है वो क्या डॉक्टर्स ये समझते हैं और आपको लगा देते हैं पी, -पी पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पर जिसमें एक बड़ी फेमस मेडिसन ओमेप्राजोल है ये पी, -पी आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं पी, -पी किसी ने भी नहीं लेने वो इलाज ही नहीं है दूसरी रीज़न भी मैं बता देती हूँ जो है वो किसी भी सूरत में इलाज नहीं है पी, -पी आप छोड़ दें पी, -पी आपके स्टमक को तबाह कर देते हैं आपको वो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है अब एक तो पहले ही आपके स्टमक का एसिड कम था ऊपर से आपने प्रोटोन पपिनबिटर आपने ओमिप्राज एंटीसिड्स आपने लेना शुरू कर दिए और तेजाब कम होगा आप और मुसीबत में फंस जाएंगे इसके लिए मैंने एक जूस रेसिपी बताई थी मैं फिर बता देती हूँ बाकी सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस के साथ वो अल्कलाइन फूड्स उस तरह से हम डाइट में इंक्लूड करते हैं बॉडी का पीएस स्टेबलाइज करते हैं इंस्टेंट रेसिपी मैं आपको बताती हूँ टेन आउंस एलोवेरा जूस फिफ्टीन आउंस कोकोनट वाटर एक टेबल स्पून आप एप्पल सिडर विनेगर लेंगे आप थ्री टू फोर सैलरी स्टॉक्स लेंगे सैलरीज अ वेजिटेबल स्टॉक यानी डंडियाँ आप वन ग्रीन एप्पल लेंगे एक टेबल स्पून आप बेजल सीड्स लेंगे जिसको आपने पूरी रात पानी में सोख करके रखा होगा और सुबह उस पानी समेत उन बेजल सीड्स को आप उसमें डाल देंगे एक सप्लीमेंट आता है एलग्लूटामी एक टेबल स्पून अलग्लूटामिन पाउडर का लेंगे इस सारे मिक्सचर को आप ब्लेंड करेंगे जब आप ब्लेंड करेंगे इसके बहुत सारे बबल्स बनेंगे 10 टू 15 मिनट्स आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद पूरा दिन आपने इसको सिप सिप करके लेना है और रात को जो आप आखिरी ड्रिंक लेंगे वो भी यही लेंगे रात को आँख खुलेगी तो भी यही लेंगे तबीयत बेटर फील होगी और जब आँख खुलेगी मुझे दुआ भी देनी है अगर इस रेसिपी से हो गया और ये आ गई आपके इस्तेमाल में आपके फ़ायदे में दूसरी चीज आपके पास गैस्ट्राइटिस आपके पास एसिडिटी स्टमक में क्यों होती है एक तो रीजन मैंने बता दी असल में एसिड कम होता है आपके पास जो स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग है जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है अब जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है तो जो स्टमक में तेजाब बन रहा था उस लाइनिंग ने स्टमक के अंदर की लाइनिंग और तेजाब को अलग रखा हुआ था वो लाइनिंग डिजोल्व हो गई वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है फिर डॉक्टर्स आपको पी पी और ओमिप्राजोल पे इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, नहीं है उन्होंने यही लिख के देना है आई आई एम सो सॉरी आई डोंट वांट टू से दिस बट मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं हमारे गेस्ट्रंटोलॉजिस्ट ने कहा है आप ओमिप्राजोल खाएं मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं करी बट ये होता है और आप जो मर्जी खाएं क्या बात है आप फ्री ने आपकी मेडिसिन की प्रैक्टिस पे आई एम सो सॉरी सो जो भी लोग ये कर रहे हैं अच्छा जी अब आप एसिड कम करना शुरू कर देंगे आप एसिड कम करना शुरू कर देंगे जिन लोगों को पीपीआईल और एंटीसिड लेके सुकून आता है उनको क्यों आता है ये मैं बता रही हूं दरअसल आपका मसला हल नहीं हुआ आपकी स्टमक लाइनिंग अभी भी उतनी डैमेज है अभी भी उतनी खराब है प्रॉब्लम ये है कि अब आपने एसिड कम कर दिया तो वो अब जो है तो अंदर म्यूकस लेयर को तंग ही नहीं कर रही है वो स्टमक को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया है इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शुरू में तो मुझे एंटीसिड लेके बहुत आराम आया था पांच छह महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गया एंटीसिड छोड़ू तो फिर एसिडिटी शुरू हो जाती है आपका प्रॉब्लम ट्रीट ही नहीं हो रहा है सिर्फ आपके स्टमक का एसिड कम हो रहा है पहले तो सिर्फ अब आपका स्टमक लाइनिंग डैमेज थी अब एसिड कम होने की वजह से आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा थोड़ी देर बाद आप दोबारा मुसीबत में आ जाएंगे और दूसरी चीज अब आपकी बॉडी में स्टमक में बैक्टीरियल और फंगल ओवर ग्रोथ भी होगी और आपको होंगे ऑटोइम्यून डिजीजेस और लिकी गट पी आपने किसी भी सूरत नहीं लेनी है इसकी हीलिंग इसका ट्रीटमेंट भी आई वर्क विद माय क्लाइंट्स इन माय ऑफिस मैं डाइट के थ्रू करती हूँ और अलहमदिल्ला लोगों को बहुत शफा होती है ट्रीटमेंट लंबा होता है छः से आठ महीने का होता है उसमें आप रिमिशन फेज में जाते हैं हीलिंग फेज में आते हैं हंड्रेड हर केस में हीलिंग नहीं होती लेकिन बहुत हद तक आपको सुकून आ जाता है और थोड़ी सी एहतियात के साथ रहना होता है मॉरल ऑफ़ द स्टोरी इज के चाहे जो मर्जी हो जाए आपने पी पी आई नहीं लेनी है वो सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री की एक छोड़ी चीज़ है आ, वो आपके तकलीफ़ों का मरहम नहीं है उसका इलाज नहीं है इलाज सिर्फ अल्लाह की बनाई चीज़ों में है उसे तलाश करें इल्म को तलाश करें सो so, और आ, जो लोग थोड़ी सी सहूलत चाहते हो मेरे पास भी आ सकते हैं आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़